टीकमगढ़ उत्सव भवन में पंडित दीनदयाल जयंती अवसर पर लिधोरा जतारा सहित टीकमगढ़ जिले भर से आई महिला कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी भाजपा पर आदिवासियों के कल्याण के नाम पर 500 रुपए की रसीद कटवाने की मांग करने का आरोप लगाया है। साथ ही भाजपा पार्टी और सरकार पर इशारों इशारों में आम जनता और कार्यकर्ताओं के कार्य न करने का आरोप भी लगाया है। इसके अलावा उक्त बैठक में सुबह 10 बजे से आई भाजपा महिला कार्यकर्ताओं को अपमानित स्वरूप भोजन पानी की व्यवस्था न करने का भी आरोप लगाया गया। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी एवं संगठन की महिलाएं उपस्थित रही। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। बीच में कुछ लोग राजनीति की दृष्टि से नए आए होंगे इस कार्यक्रम में, और कई लोग जो होंगे राजनीति को दूर से देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रधानमंत्री काल में आई। भाव था भारतीय जनता पार्टी संगठन में थी और सरकारें हमारी एनडीए की थी, तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, संगठन का जो भाव है। रजनी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी खटीक है, मैं लिधोरा से हूँ। बताइए, जो महिला मंडल की जो बैठक हुई, किस सम्मति की परिपेक्ष में की गई आज वो? अभी तो कोई ऐसी कोई मुझे तो इस चीज मतलब यही है कि मतलब ये 500 रुपये उसी की काम की है, लेकिन हम लोग क्या करें भैया, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हम लोग दूसरों की गाड़ियों से यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं, ऊपर से फिर ऊपर से पैसे मांग रहे भैया, हमारे पास इतनी नहीं। कितने पैसे मांगे गए? 500 रुपये की बोला है। 500 रुपये किस संबंध में मांगे गए? ये जो कि आदिवासी है उन लोगों की मदद के लिए मांगे गए हम लोगों से। अच्छा 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 अच्छा। और कितने बजे आप लोग आई थी यहाँ पर? 10 बजे आ गए थे यहाँ पर। अच्छा बहन जी, आप बताइए खाने पीने की क्या व्यवस्था रखी है यहाँ पर? खाने पीने की तो कोई व्यवस्था, पानी तो मिला नहीं है सर, खाना तो पानी पीने को नहीं मिला। आप बहन जी कहाँ से आई हुई थी? मैं जतारा से आई। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा नाम गणेश त्रिपाठी। जी जी जी। तो आज की जो मीटिंग हुई है उससे क्या आप लोग खुश नजर नहीं है क्या? खुश तो है भाई सब, क्या है ना कि समर्पण निधि है, लेकिन जैसे कि कार्यकर्ता है हम लोग तो समझते हैं कि पार्टी के लिए मतलब पैसा देना ये सब करना करते, लेकिन हम और लोग बागों के पास जाएंगे रसीदे लेके के, तो उनका यही कहना होता कि मेरे पास तो खुद नहीं, हम क्या देंगे आपको। जी जी। जब पार्टी उनके लिए कुछ करेगी तो हम किसी से मांग पाएंगे, या फिर कुछ आए हो हम लोगों को, हम लोगों के पास आए हो कुछ, जैसे हम लोगों को कुछ आए हो, जैसे थोड़ी बहुत, जैसे हम लोग महिला मंडल से जुड़ी हुई है या महिला मंडल को कोई आए हो तो हम सोच सकते हैं, चलो उसको अपना मतलब सोच लेके चलो कुछ मिला नहीं है तो थोड़ा बहुत करके हम लोग सब महिला दे सकते, लेकिन मिला ही कुछ नहीं है। अपना किराया लगा। आज भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि से भारतीय जनता पार्टी अपने आजीवन निधि अभियान चलाती है। आत्मनिर्भर संगठन, स्वावलंबी संगठन, इस प्रकार का हमारा संगठन बने इसके लिए कार्यकर्ताओं से हम निधि संग्रह करते हैं। यह वर्ष कुशव ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष है, इसके निमित्त हमने एक समर्पण निधि अभियान चलाया है। यह अभियान बूथ से लेकर जिला स्तर तक वो चलेगा। हम समाज से संग्रह करके एक व्यापक लक्ष्य हमने रखा है ताकि उसके आधार पर हम जनजातीय बंधुओं के विकास के लिए कुछ योजना चला सके। उस अभियान के निमित्त यह टीकमगढ़ जिले के सभी मोर्चों के जिला पदाधिकारियों की सामूहिक बैठक एक साथ आज रखी गई थी। इसमें कुछ महिलाएं आई हुई थी बाहर से, उन्होंने कहा सुबह हम 10 बजे आ गए, उनको पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई और उनसे समर्पण निधि के नाम पर 500 रुपये मांगे गए, क्योंकि वो गरीब घर की महिला है। नहीं, ऐसा विषय मेरे पास नहीं आया, और ये विषय अगर आप कहीं से ला रहे हैं तो मुझे जानकारी भी नहीं है, और इस प्रकार का काम भाजपा में नहीं होता। पानी सामने रखा है और जो आया है उसको मान सम्मान भाजपा मिलता है। आरोप है महिलाओं का? नहीं, मेरे सामने विषय नहीं आया, ये आप आरोप लगा रहे हैं, मेरे सामने विषय नहीं आया। मैं आपके मुँह से सुन रहा हूँ, मुझे इस विषय की जानकारी नहीं। जैसे ऐसा कोई मामला आता है तो क्या कार्रवाई करवाएंगे? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है, हमारे पास है, आपके पास होगा, आप उसको अपने हिसाब से करिए, ऐसा कोई विषय नहीं है। जी, आज जो आप मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी कि महिलाओं को, जिले की महिलाओं को यहाँ बुला के एक कार्यक्रम में इस तरह से, बेशक आप बीजेपी की वो पदाधिकारी थी, बट इस तरह का बर्ताव करना महिलाओं के साथ, जहाँ बीजेपी चाल चरित्र की बात करती है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज आपने, आपके पदाधिकारियों से ही ये जानने में आप समझ सकते हैं कि देश के हालात कैसे हैं, जहां आपको महिलाओं को रोज़गार देना चाहिए, उन्हें अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए मजबूत बनाना चाहिए, आप उनसे उल्टा पैसे की डिमांड कर रहे हैं,
आप यही बात उनको घर पे भी बताते तो मैं यकीनन वो आपके इस कार्यक्रम में आज आती भी नहीं, ना इतना समय लगाती, अपना किराया दे के कोई आया है। उसमें मैंने दूसरी बात ये भी सुनी कि उनको भूख प्यास से भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। तो ये और इस तरह का फंडिंग करना, मैं उस चीज़ को भी बहुत गलत मानती हूँ कि आप इस तरह से ज़बरदस्ती अपने पदाधिकारियों से, महिलाओं से आप इस तरह की फंडिंग करते हैं। क्यों सरकार के पास किस तरह की इतनी तरह तरह की स्कीमें हैं तो उसका क्यों नहीं आप उनको लाभ दिला सकते हैं? आपकी पदाधिकारियाँ ही इस तरह की यदि शिकायत कर रही हैं और इसीलिए देश में बहुत दुर्भाग्य इस देश का अभी चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।